भाई साहब, आज बहुत बड़ा धोखा हुआ यार। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये ज़्यादा छानपत जो है ना, महंगी पड़ जाती है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आज मैं मटर पनीर बनाऊँगा। और मैं वॉलमार्ट में लेने गया तो मुझे पनीर तो वहाँ दिखा नहीं, और वहाँ चीज़ था, और उस चीज़ की टिकियाँ जो है ना, बिल्कुल पनीर जैसी लग रही थी। तो मुझे लगा यार ये उसी का पर्पज़ सॉल्व करेगा। हालांकि ज्योति ने, मैंने पहले भी एक बार कहा था और ज्योति ने मुझे कहा था नहीं, ये उसका पर्पज़ सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे लगा उसको क्या पता, मैं यूज़ करके देखता हूँ। और मैं वो लेके आ गया, और फिर मैंने बड़ी मेहनत से सारी सब्जी बनाई। उसके बाद मैंने उस चीज़ को पनीर की तरह ट्यूब पीस में काट काट के कढ़ाई में डाला, और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, वो लापसी की तरह देखो ऐसे हो गया, उसकी सी गांठ सी बनेगी, देखो ऐसे हो गया वो, ऐसे हो गया वो, ऐसे हो गया वो, ये हाल हो गया मेरे पनीर की टिकियाँ का। फिर मैंने सोचा, यू देखो यू हाल हो गया पनीर की टिकियाँ का। फिर मैंने सोची इतनी मेहनत करके यू मसाला बनाया था तो कुछ तो कर। फिर मैंने इसमें मशरूम काट के नहीं गिर दिए, न्यू नहीं बेरा कि मैंने वो मशरूम भी ख़राब कर दिए हैं या फिर इसका कुछ हल हो चुका है। तो अभी खाऊंगा, फिर आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा रहा। अब मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे शानपत महंगी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब्जी बहुत स्वाद, एक नंबर की सब्जी बनी, बिल्कुल बहुत मज़ेदार, और हमने चाट चाट के खाई सब्जी। तो मेरी खुद की, मेरी जो इन्वेंशन है, जो रेसिपी मैंने बनाई, वो कामयाब रही। और अब कल और परसों इसी सब्जी की दोबारा से प्रैक्टिस की जाएगी, और इसमें अब हम परफेक्शन लेके आएंगे।